हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं काबिल और एक होते हैं ना काबिल। माय डियर फ्रेंड्स, जो काबिल व्यक्ति होता है, जो काबिल इंसान होता है, वो कहीं ऊपर से काबिल बन के नहीं आता, उसे यहीं पे अपने अंदर वो काबिलियत को पैदा करनी पड़ती है। और वो काबिलियत पैदा करने के लिए उसे काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होती है, काफ़ी सारे कौशल को अपने अंदर लाना होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये काबिल इंसान जो होता है वो अपने आज से जूझता है अपने अच्छे कल के लिए। वो नई नई चीज़ों को सीखता है, नए नए ज्ञान को लेता है, नए नए टेक्नोलॉजी को सीखता है। और ये काबिल इंसान आने वाले दिनों में अपने अंदर काबिलियत को बढ़ाता है। और एक नाकाबिल इंसान होता है जो अपनी काबिलियत को बढ़ाने में बिलीव नहीं करता, अपने अंदर काबिलियत को बढ़ाता नहीं है, नए नए चीज़ें सीखता नहीं है, नए नए नॉलेज लाता नहीं है, और जिसके कारण वो एक अकाबिल इंसान, नाकाबिल इंसान बन जाता है। भगवान ने दोनों जन को उसी तरह बना के भेजा था, एक नाकाबिल और काबिल इंसान में फ़र्क कुछ नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने अंदर काबिलियत को लाई, अपने अंदर हुनर को लाया, कौशल्य को लाया, अपने अंदर नए नए स्किल को लाया, और आज वो काबिल इंसान बन गया। सो आज इस दुनिया में काबिल व्यक्ति ही मानो जीवन में कुछ कर सकता है, काबिल व्यक्ति ही कुछ आने वाले दिनों में कुछ बड़ा बदलाव कर सकता है, काबिल व्यक्ति ही आने वाले जीवन में कुछ अनोखा कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम काबिल इंसान बने। और काबिल इंसान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने अंदर नए नए कौशल्य, नए नए हुनर, नए नए स्किल को डेवलप करे और इसे प्लान करके डेवलप करें, क्योंकि ये अपने आप नहीं होता। कोई भी चीज़ की काबिलियत को लाने के लिए हमें उसके बारे में प्लान करना होता है, विचार करना होता है, और उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। तो जो ये विचार करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वही अपने अंदर ये काबिलियत ला पाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें करना ये चाहिए कि हमें नए नए काबिलियत को डेवलप करने के लिए उसकी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम कौन कौन सी काबिलियत अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग करी जाए और प्लानिंग करके उसके लिए एक्शन करा जाए कि अब मुझे ये कौशल मेरे अंदर लाना है, अब मुझे कम्युनिकेशन स्किल मेरे अंदर लाना है, अब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल मेरे अंदर लाना है, अब मुझे टेक्निकल स्किल मेरे अंदर लाना है, अब मुझे नेगोशिएशन स्किल मेरे अंदर लाना है, अब मुझे अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अब मेरे माइंड को पावरफुल बनाना है। तो ऐसे काफ़ी सारी स्किल जो होती है हमें एक जन्म में करनी होती हैं, और हम एक काबिल इंसान बन जाते हैं, एक लोगों के चाहने वाले इंसान बन जाते हैं, और लोग हम एक लाइकेबल इंसान बन जाते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं तो हम जैसे एक साधारण व्यक्ति होते हैं, हमारे अंदर कोई इतना नया बदलाव और नया परिवर्तन नहीं आ पाता है, और हम एक आम इंसान जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। कोई हमें जानता नहीं, कोई हमारी पहचान नहीं होती है, कोई हमें पूछता नहीं है, हम एक आए थे और चले जाते हैं, कोई इतिहास नहीं रच पाते हैं, कोई नया जो है युग में हमारा नाम नहीं हो पाता है। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि इतिहास के पन्नों पे हमारा नाम आना चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए लोग हमें युग युग तक याद करना चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए हमारे पैरों के छाप छूटने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक काबिल इंसान बने, हम एक काबिल व्यक्तित्व के धनी बने, और उसके लिए हम आज से ही शुरुआत करें, आज से ही प्लान करें कि कौन कौन से कौशल्य, कौन कौन से हुनर मुझे मेरे अंदर लाना है, मेरे अंदर डालना है, और उसके लिए एक कदम बढ़ाएं। क्योंकि जब तक हम एक कदम बढ़ाएंगे नहीं, जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें हासिल नहीं होगी। इसे कॉन्शियसली हमें करना होता है, इसे कॉन्शियसली हमें प्लान करना होगा, अनकॉन्शियसली कुछ भी नहीं होने वाला, इसे कॉन्शियसली हमें प्लान करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी अपने जीवन में एक काबिल इंसान बनने की तैयारी करेंगे, एक कौशल्य अपने अंदर लाने की तैयारी करेंगे, और आने वाले दिनों में एक काबिल व्यक्तित्व का धनी बनेंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक सारा वीडियो देखने के लिए। ये सारी बातें आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली और को भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये बेहतरीन नॉलेज मिले और वो भी अपने अंदर
काबिलियत को बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।